हम तुम्हें द्वादश अक्षर मंत्र बतलाते हैं। बेटा, मंत्रों में बड़ी शक्तियां होती हैं। इस मंत्र का यदि 27 दिन तक यदि सतत यदि जाप किया जाता है तो मनुष्य में यक्षों से बात करने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ लोग इसमें नमः जोड़ देते हैं, परंतु नमः जोड़ने पर यह द्वादश अक्षर मंत्र नहीं रहता। इसमें जो ओम शब्द है वो प्रणव युक्त है। नमो माने नमस्कार। भगवते ऐश्वर्य समग्र धर्म यश श्री ज्ञान वैराग्य, ये 6 प्रकार के भग जिनमें विद्यमान है उन्हें भगवान के नाम से जाना जाता है। वासुदेवाय, सर्वम वसति इति वसु दिव्यते इति देवः वासुदेवः, अथवा वसुदेवस्य पत्यं पमान वासुदेवः, जो वसुदेव जी के पुत्र वासुदेव रूप में आकर के प्रकट हुए। ऐसे चराचर जगत में वास करने वाले देव भगवान वासुदेव के चरणों में हम सब मिलकर के उन्हें प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यमुना के तट पर मधुवन में बैठकर के ध्रुव जी ने द्वादशाक्षर मंत्र का सतत जाप प्रारंभ कर दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने जाकर के राजा उत्तानपाद को समझाया, राजन तुम्हारे पुत्र को अपने राम जी ने मंत्र दे दिया है, अब तो वो प्रभु को प्राप्त करके ही लौटेगा। इधर ध्रुव जी की साधना नित्य निरंतर चल रही है, सतत मंत्र का जाप चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधना का क्रम देखिए, जैसे ही पहला महीना लगा तो 3 दिन में एक बार केवल फलों का आहार। हम लोगों की तरह फलाहार नहीं, बोलो राधे राधे, केवल फलों का आहार। और जैसे ही दूसरा महीना लगा तो 6 दिन में एक बार केवल वृक्षों के पत्तों का भक्षण करते हैं और साधना नित्य निरंतर चल रही है। और जैसे ही तीसरा महीना लगा
तो 9 दिन में एक बार केवल यमुना के जल का पान करते हैं और साधना नित्य निरंतर चल रही है। और जैसे ही चौथा महीना लगा तो 12 दिन में एक बार केवल वायु का भक्षण करते हैं और साधना नित्य निरंतर चल रही है। शरीर के सामर्थ्य के अनुसार व्रत की विधि। आजकल पुरुष वर्ग तो ज्यादा व्रत करते नहीं, बेचारी महिलाएं ही माताएं ज्यादा व्रत करती हैं। और भादों के महीने में तो 5-7 दिन ही बचते होंगे बिना व्रत के, नहीं तो पूरा महीना व्रत का ही रहता है। सोमवार का व्रत 16 सोमवार, गुरुवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत, बहुत सारे व्रत हैं माताओं के। और माताओं का तो स्वभाव होता है बड़ा ही भावुक। जो भागवत कथा सुनी, राम कथा सुनी, सुबस वैराग्य का भूत सवार हो जाता है। अब की बार के नव दुर्गा तो लौंग इलायची में, बोलो राधे राधे। तो मालूम चला के 3 दिन तक तो व्रत ठीक से चला और 4th दिन आईसीयू में भर्ती होना पड़ा, बोलो राधे राधे। तो ऐसे व्रत का भी कोई मतलब नहीं। शरीर के संतुलन के अनुसार व्रत की विधि होनी चाहिए। ध्रुव जी की साधना का क्रम देखिए। पहला महीना लगा तो 3 दिन में एक बार केवल फलों का आहार, दूसरा महीना लगा तो 6 दिन में एक बार केवल वृक्षों के पत्तों का भक्षण करते हैं परंतु साधना नित्य निरंतर चल रही है। तीसरा महीना लगा तो 9 दिन में एक बार केवल यमुना के जल का पान करते हैं, साधना नित्य निरंतर चल रही है। 4th महीना लगा तो 12 दिन में एक बार केवल वायु का भक्षण करते हैं, साधना नित्य निरंतर चल रही है। और जैसे ही 5वां महीना लगा तो ध्रुव जी ने ऐसा प्राणायाम साधा कि प्राण वायु व्यष्टि से समष्टि में समागत हो गई। बार बार देव वृंद प्रभु को पुकारने लगे। नैवं वेदामो भगवन् प्राणरोधम् चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना विदेहि तन्नो व्रजनां विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। बार बार देववृंद प्रभु को पुकारने लगे, प्रभु आपका भक्त कब से आपको पुकार रहा है, परंतु आप अपने भक्त को दर्शन देने के लिए नहीं जाते। प्रभु बोले, देवताओं, अरे ध्रुव जैसे भक्तों को मैं दर्शन देने के लिए नहीं जाता, ध्रुव जैसे भक्तों के तो मैं स्वयं दर्शन करने के लिए जाता हूं। ध्रुव जी के सामने आकर के प्रभु खड़े हो गए, परंतु ध्रुव जी के नेत्र बंद रहे। ध्रुव जी को हृदय में प्रभु की बांकी झांकी का दर्शन हो रहा है, परंतु प्रभु सोच रहे हैं, मैं तो भक्त के सामने खड़ा हुआ हूं परंतु भक्त तो मुझे देखता नहीं है। और जैसे ही प्रभु ने ध्रुव जी के हृदयस्थ छवि को जैसे ही अंतरहित किया और घबरा करके ध्रुव जी ने जैसे ही अपने नेत्रों को खोला तो सामने प्रभु को पाया। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश मुलाकात कर ली। स्तुति करना तो चाहते हैं परंतु मन ही मन सोच रहे हैं, गुरुदेव ने मुझे ये तो बताया है कि ऐसे ऐसे प्रभु का भजन करना है, ऐसे ऐसे मंत्र का जाप करना है, परंतु गुरुजी ने ये तो बताया ही नहीं है कि प्रभु सम्मुख आकर के खड़े हो जाएं तब क्या करना है। स्तुति करना तो चाहते हैं परंतु सब नहीं। प्रभु ने अपना शंख का स्पर्श ध्रुव जी के कपोल से करा दिया। स्पर्श बालम कृपया कपोले, और ध्रुव जी को समस्त वेद पुराण उपनिषद
संहिताओं का ज्ञान ध्रुव जी को प्राप्त हो गया। 12 श्लोकों में ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर विलक्षण स्तुति गाई। योंतः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां। प्रभु, आपने मेरी सोई हुई वाणी को प्रसुप्त कर दिया, सुप्त वाणी को प्रसुप्त कर दिया। नेत्रों में आपने देखने की शक्ति दी, कानों में आपने सुनने की शक्ति दी, मुख में आपने बोलने की शक्ति दी। संपूर्ण शक्ति के प्रदाता प्रभु आप ही हो। मूकं करोति वाचाल पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानं। मूकं करोति वाचालम्। जब बालक का जन्म होता है तो बालक को बोलना नहीं आता, परंतु जब भगवान की कृपा होती है तो धीरे धीरे ये बालक बोलना सीख जाता है। जिसे बोलना नहीं आता वही बालक प्रभु कृपा के द्वारा वाचालम, वाचा अलं करोति इति वाचालम, उस बालक की वाणी अलंकृत हो जाती है। जन्म होते ही बालक को चलना नहीं आता, परंतु वो बालक चलना सीख जाता है। ये चलने की शक्ति कहां से आई? भगवान के द्वारा। मूक होए वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। चलने की ऐसी वैसी शक्ति नहीं आई। यदि पूछा जाए भैया जी कहां से आ रहे हैं, बोले यात्रा करके आ रहे हैं। कौन से? बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा, बड़े बड़े पहाड़ों को चढ़ के आ रहे हैं भैया। अब की बार केदारनाथ बद्रीनाथ तो कर आए, अब आगे अमरनाथ जाने की बारी है। बोलो राधे राधे। तो ये चलने की शक्ति कहां से आई? प्रभु के द्वारा। संपूर्ण शक्ति के प्रदाता प्रभु आप ही हो। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु, नूनं विमुष्टमतयस्तवमाययाते ये त्वां भवाप्य विमोक्षण मन्यहेतो अर्चन्ति कल्पक तरुम कुण पोप भोग्यम इच्छन्ति यत्पर्सजं निरये अपिन्द्रणा। हे प्रभु, जो आपके चरण कमलों को छोड़कर के संसार की वस्तुओं को मांगे, मैं तो यही समझता हूं कि उस व्यक्ति की बुद्धि मलिन हो चुकी है। वो व्यक्ति गाय की पूजा करने की जगह बकरी को पूजने लगा है, कल्प वृक्ष की पूजा करने की जगह वो व्यक्ति बबूल को पूजने लगा है। ध्रुव जी कहते हैं महाराज, या निर्वृतस्तनुभृतां तव पाद पद्म ध्यान भवज्जन कथा श्रवणेन वास्या
ब्रह्मणि स्वमहिमन्मपि नाथ माभू किं कान्तुकासि ललितात् पतितां विमाना। हे प्रभु, आपके कथामृत के समक्ष तो ब्रह्मानंद भी फीका है, क्योंकि ब्रह्मानंद में स्थित साधक संतों को जब मालूम चलता है कि भगवान की मंगलमयी कथा का वाचन किया जा रहा है, तो वे सिद्ध संत अमलात्मा विमलात्मा अपने ब्रह्मानंद को छोड़ करके भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म चरित सुनई तज ध्यान, वे जीवन मुक्त संत जो बद्रिकारण्य की अरण्यकाओं में वास कर रहे हैं, ऐसे ब्रह्मानंद में स्थित संत अपनी ध्यान समाधि को छोड़ करके दौड़ पड़ते हैं हरि कथामृत का श्रवण करके, और भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण करके पुण्यवान बन करके स्वर्गादिक लोकों में पहुंच जाते हैं। स्वर्गादिक लोकों में काल की खड़क से जब उनका पतन होता है तो पुनः छीने पुण्य मृत्यु लोके विशंति, पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। ध्रुव जी कहते हैं, महाराज कल्पांत एतदखिलं जठरेन ग्रहणं सेते पुमान सुगदृणंत सखस्तदंगे यन्ना विसिंदुरुः कांचन लोक पद्मा गर्भेद्युमान भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै। हे प्रभु, ब्रह्मा बनकर के आप ही सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु बनकर के आप ही पालन करते हैं, और शिव बनकर के आप ही सृष्टि का संहार कर देते हैं। ब्रह्मांड को पेट में रख करके आप सो जाते हैं तो प्रलय हो जाता है। संपूर्ण सृष्टि के प्रदाता प्रभु आप ही हैं। बड़ी सुंदर स्तुति ध्रुव जी ने गाई, परंतु भगवान बोले, ध्रुव वरदान मांग लो। ध्रुव जी बोले, प्रभु मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। प्रभु समझ गए कि ध्रुव के मन में राज्य पद पाने की इच्छा है। भगवान बोले, ध्रुव 36,000 वर्ष तक तुम राज्य पद प्राप्त करोगे। मन ही मन ध्रुव जी सोचने लगे कि प्रभु को प्राप्त करने के बाद भी मैंने मांगा तो क्या मांगा, एक मरण धर्मा राज्य। कोई राजा किसी किसान से कहे, भैया तुझे जो मांगना हो सो मांग ले, जो मांगना हो सो मांग ले। अब किसान कहे कि महाराज ज्यादा तो कुछ नहीं चाहिए, 3 दिन से गाय भूखी बंधी है, तो आप तो 2 प्याला भूसा दे दो। बोलो राधे राधे, जब राजा से ही मांगने के लिए गए और मांगा तो क्या मांगा, भूसा। उसी तरह ध्रुव जी भी सोच रहे हैं कि प्रभु को प्राप्त करने के बाद भी मैंने मांगा तो क्या मांगा, एक मरण धर्मा राज्य। ध्रुव जी के मन में अनेक प्रकार की कामनाएं वासनाएं थीं, परंतु जब प्रभु का प्रेम प्रवाह जब प्रवाहित हुआ तो सारी कामनाएं वासनाएं बह गईं। जैसे विभीषण जी के मन में अनेक कामनाएं वासनाएं थीं, परंतु जब रामभद्र प्रभु का प्रेम प्रवाह जब प्रवाहित हुआ तो विभीषण जी की सारी कामनाएं वासनाएं प्रभु राम के प्रेम में बह गईं। और गोस्वामी जी रामचरितमानस में संकेत बतलाते हैं, उरि कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरिस सोंदही, उरे कछु प्रथम वासना रही, उरे कछु प्रथम वासना रही, उरे कछु प्रथम।
प्रीत सरिस संबही कछु प्रथम बासना रही प्रभु पद प्रीत सरिस संबही सरिस संबही सरिस संबही। राजा उत्तानपाद माता सुनीति बेमाता सुरुचि को जब मालूम चला दौड़ पड़े ध्रुव जी से मिलने के लिए। जैसे ध्रुव जी ने अपनी माता सुनीति बेमाता सुरुचि और पिता उत्तानपाद को देखा और माता सुनीति ने जैसे ही अपने पुत्र ध्रुव को देखा बात्सल्य उमड़ पड़ा और माता सुनीति के स्तनों से दुग्ध धारा प्रवाहित होने लगी। दौड़ करके ध्रुव जी ने सबसे पहले अपने पिता उत्तानपाद के चरणों में प्रणाम किया, बेमाता सुरुचि के चरणों में प्रणाम किया, माता सुनीति के चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके ध्रुव जी बोले, मां तुमने मेरे ऊपर बड़ा भारी उपकार किया, क्योंकि आज तुम दोनों माताओं के कहने पर ही तो मैं वन में गया और आज मुझे प्रभु की प्राप्ति हो गई। बेमाता सुरुचि बोली, बेटा उस समय तो मैंने तुझसे कहा था कि जा तू पहले परम पुरुष परमात्मा का आराधन कर और प्रभु जब तुझसे प्रसन्न हो जाएंगे तब तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, परंतु बेटा अब तो मुझे ही परम पिता परमात्मा का आराधन तपस्या करनी पड़ेगी, जो तेरे जैसा बेटा मेरी कोख से जन्म ले और मैं भी माता सुनीति की तरह धन्य हो जाऊं, क्योंकि वही मां मां कहलाने योग्य है जो अपने पुत्र को भगवान का भक्त बनाते हैं। गोस्वामी जी रामचरितमानस में संकेत बतलाते हैं, पुत्र बती जुबती जग सोई रघुबर भगति जासु सुत होई रघुबर भगति जासु सुत होई जासु सुत होई। वही मां मां कहलाने योग्य है जो अपने पुत्र को भगवान का भक्त बनाते हैं। मां का मातृत्व तो तभी पूर्ण माना जाता है जब मां का पुत्र भगवान का भक्त हो। आज देवर्षि नारद की कृपा से ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति हो गई। योग्य गुरु का सामिप्य और सानिध्य यदि प्राप्त हो जाता है तो भगवत प्राप्ति सुलभ हो जाती है। गुरु किसे कहते हैं, जो अज्ञान अंधकार का समन करे ज्ञान प्रकाश के द्वारा शिष्य को प्रकाशित करे उसे गुरु कहा जाता है, और जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। बोलो राधे राधे। इसलिए जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। एक बड़ी प्रचलित एक लोकोक्ति है, पानी पियो छानके और गुरु बनाओ जानके। गुरु का चयन बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। गाजर को आम और आम को पपीता बना दे वो कोई गुरु नहीं, दिशा बतला देने वाला गुरु। जहां चर्चा चलती है कि छोटे से बालक ने मात्र 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया, तो देवर्षि नारद कहते हैं, मालूम है मंत्र किसने दिया था?
अरे अपने राम जी ने मंत्र दिया, 6 महीना में भगवान से मिला दिया। तो शिष्य के उत्कर्ष को देख करके गुरुजन गौरवान्वित होते हैं, और जहां चर्चा नहीं चलती वहां जाकर के देवर्षि नारद चर्चा चला देते हैं। अरे तुम्हें मालूम है छोटे से बालक ने 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया, और मालूम है मंत्र किसने दिया था? अपने राम जी ने मंत्र दिया, 6 महीने में भगवान से मिला दिया। ध्रुव जी के संस्कार तो पहले से ही संस्कारित थे, माध्यम बन गए देवर्षि नारद।